अस्सलाम वालेकुम सर पीपा। वालेकुम सलाम बच्चों, बैठो बैठो बैठो। हाँ तो बच्चों रेडी फॉर क्लास? यस सर। हाँ तो बच्चों क्लास स्टार्ट करें? मैं तो कहता हूँ सर आज रहने। क्या बात होगी बच्चों, क्लास तो लेना है आप लोगों ने। तो शुरू ही करना है तो पूछते ही क्यों हो? बस बच्चों मस्ती खत्म। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़े बड़े इकदाम उठाए हैं। क्यों सर, उनके पैर बड़े थे क्या? देखा उनके पाँव नहीं, उनकी सोच बड़ी थी जो तुम लोगों की बहुत छोटी है। सर जी हमें तरीक के बारे में पता है, क्लास जल्दी खत्म करें, हमें पबजी खेलने जाना है। तो ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जिनके जवाब आप लोगों को देने होंगे। तो तैयार हो? जी। हाँ तो शीदे तुम अपना सवाल ले। 1998 में नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली में क्या खिताब किया था? जल्दी लिख लो। सर मैंने सवाल लिख लिया है। हाँ तो पीके टली तू अपना सवाल लिख। पाकिस्तान का परचम किसने बनाया था? लिख लिया सर जी, डन हो गया। हाँ तो बेटा सब तैन जाग रहे हो? इधर आओ, छे का पहाड़ा सुनो मुझे। जी सर। हाँ तो बेटा सुनो। जी सर। 1 6 6 2 6 12 3 6 18 4 6 24। अस्सलाम वालेकुम सर। 10 6 60। हाँ तो बेटा सुनो, हो गया सर? शाबाश। हाँ तो अब आ रहे हैं हमारी क्लास की शान पीके। आओ बेटा इधर आके गजलें सुना दो। सर आज पहली बार किसी ने मेरे दर्द की कहानी सुनने को बुलाया, ऐसे गजल सुनाऊंगा कि आप भी रो पड़ेंगे। हाँ तो बेटा सुनाओ बच्चों। काश कि मैं तेरे हाथ का कंगन होता, तेल होता, सुरमा होता, तेरे हाथ का गोला होता, तेरे हाथ में लिपटा होता, तेरे कोनी होता, तेरे बालों में जलता। वाह वाह वाह। बस बेटा बस बस बस। नहीं सर नहीं सर, किसी ने पहली बार इतना दर्द सुनने का मौका दिया है। बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं सर, जाके खुद पढ़ना सुनना, एक गजलें लिख के आए। सर मेरा डन हो गया, दिखाओ। ये क्या है? सर ये बारिश हो रही है और ये नवाज शरीफ गंजा है। अच्छा, और बारिश की वजह से कौम असेंबली नहीं पहुंच सके। ये क्या है? ये सर परचम किसी दर्जी ने बनाया होगा। ये बॉय बिल्कुल ठीक बैठे, तुम इधर थे, तुम दोनों भी इधर हो। तुम दोनों इसके पीछे। सारे कर देखो ला, दबाओ सारे, और कल वो डांस को लेकर आना सारे, दबाओ सारे। ठीक है सर, निकाल मिलते हैं।